जुड़वा 3 में ऐसा क्या होने वाला है जो जुड़वा 2 और 1 को पीछे छोड़ने वाली है? क्या फिल्म जुड़वा 3 में टाइगर के साथ 3 जुड़वा एक्ट्रेस और देखने को मिल सकती है? क्या फिल्म जुड़वा 3 को रिलीज होने में लग सकता है 2 साल और? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज फिल्म जुड़वा 3 को लेके होने वाले हैं कुछ अनसुने खुलासे, और जुड़वा 3 में कौन सी एक्ट्रेस दिखने जा रही हैं टाइगर श्रॉफ और उनके 2 जुड़वा भाइयों के साथ। इन सभी बातों पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान ने एक से एक हिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं इंडियन सिनेमा को, और उन्हीं हिट फिल्मों में से जुड़वा तो आपको जरूर याद होगा। फिल्म के गाने बेशक पुराने हो गए हों, लेकिन आज भी इस फिल्म के गानों का अलग ही क्रेज है, और इसे सुन के आज भी मूड एकदम नाचने पर मजबूर हो जाता है। सलमान के साथ फिल्म में 2 खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा और रामबा ने तो फिल्म की खूबसूरती और बढ़ा डाली थी। 1997 में आई ये फिल्म रामबा के कैरियर में हिट फिल्मों में से एक थी। रामबा करीब 45 साल की हैं और बॉलीवुड से दूर हो चुकी हैं, और साथ ही साथ वो अब 2 बच्चों की माँ भी हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर भी काफ़ी सालों से फिल्मी दुनिया से बाहर हैं, और उनके भी 2 बच्चे हैं। करिश्मा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही दिखने को मिलती हैं, और बॉलीवुड पार्टीज में भी उनका जलवा छाया रहता है। जुड़वा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला था, और साथ ही साथ फिल्म इतनी हिट गई कि उसके बाद सलमान खान की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई। करीबन 20 साल बाद 2017 में इसका सीक्वल जुड़वा 2 आया, जिसमें वरुण धवन के साथ बॉलीवुड की 2 हस्तियां तापसी पन्नू और जैकलिन फर्नांडिस दिखी थी। जुड़वा 2 के गानों को उसके पहले पार्ट जुड़वा से रिमिक्स करके बनाया था, लेकिन ये फिल्म सुपर जूपर हिट गई थी। अब जल्द ही जुड़वा का पार्ट 3 भी रिलीज होने वाली है। पहले इस फिल्म में सलमान या वरुण धवन के होने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जुड़वा 3 में अब टाइगर श्रॉफ दिखने जा रहे हैं। फिल्म में टोटल कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी दिखने को मिलेगा, और इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि टाइगर श्रॉफ अपने स्टंट और जिमनास्टिक्स के लिए काफी फेमस है। टाइगर श्रॉफ की ऐसी कोई भी फिल्म नहीं होगी जिसमें उन्होंने अपना टैलेंट स्टंट और जिमनास्टिक को लेकर ना दिखाया हो। फिल्म में टाइगर श्रॉफ की 3 अवतार दिखने वाले हैं, यानी ये समझ लीजिए कि जुड़वा 2 में 2 जुड़वा दिखने को मिले थे, तो जुड़वा 3 में अब 3 जुड़वा दिखने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ आखिर वो कौन 3 एक्ट्रेस दिख सकती हैं? ये सवाल भी कई फैंस के दिलों में आया था। तो आपको बता दें कि फिल्म में दिशा पटानी, सारा अली खान और तारा सुतारिया दिखने वाली हैं। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ ने पहले भी कई मूवीज में साथ में काम किया है। वहीं तारा सुतारिया भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ दिख चुकी हैं। सारा अली खान के साथ पहली बार दिखने जा रहे हैं टाइगर श्रॉफ। जुड़वा, जुड़वा 2 और आने वाली जुड़वा 3, तीनों फिल्म को भी डायरेक्टर डेविड धवन ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर भी साजिद नाडियावाला ही हैं। इन दिनों साजिद नाडियावाला काफी बिजी चल रहे हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ भी कई सारे और फिल्मों में भी दिख सकते हैं, जैसे बागी 4, हीरोपंती 2, रैम्बो, गणपत और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर टाइगर श्रॉफ इन दिनों काफी बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, और ऐसे जुड़वा 3 की शूटिंग शुरू करने में अभी काफी वक्त है, और हो सकता है कि इस फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाए। और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कैसे मिलेगा। लाइक एंड कमेंट करके आप भी हमें अपनी ओपिनियन इस फिल्म को लेकर बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका आपसे इजाजत लेती हूँ। टाटा बाय, टेक केयर।